हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, एक डिस्क्लेमर है, जो भी स्टॉक्स मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ वो सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए, नॉलेज पर्पज़ के लिए, कोई भी रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं देता हूँ। मैं क्योंकि सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। ये सिर्फ आपके नॉलेज और एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं आपको वीडियोज़ या स्टॉक्स दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो टाटा कंज्यूमर, सभी को मालूम है, एक निफ्टी 50 की स्टॉक है और बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, इट बिलोंग्स टू टाटा ग्रुप। सो इसके आज आपको Q3 के रिजल्ट्स आने वाले थे, तो इस रिजल्ट्स के बारे में मैं वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बताने चाहता हूँ, ये रिजल्ट्स आपको मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अराउंड 4:30 के टाइम पर आपको रिजल्ट्स अपलोड होते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो अभी जो भी रिएक्शन आपको शेयर में देखेगा वो आपको कल मार्केट खुलने के बाद ही देखने को मिल जाएगा। तो आया हूँ दोस्तों मैं सीधा कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर। सो जो भी नंबर्स यहाँ पर आप देख रहे हैं वो आपको रुपीस इन करोड़ देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों नंबर्स चेक करते हैं कि नंबर्स कैसे हैं। तो सबसे पहले सीक्वेंस चेक करेंगे। सो सीक्वेंस आप देख सकते हैं, ये ईयर ऑन ईयर है और ये आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिल रहा है। कंपनी का टोटल इनकम आप देख सकते हैं, इस क्वार्टर में 3800 था, पिछले क्वार्टर में भी 3800 देखने को मिल रहा है और एक साल पहले आपको 3523 करोड़ देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ईयर ऑन ईयर अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है रेवेन्यू में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको ऑलमोस्ट फ्लैटेस्ट नंबर ही देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद कंपनी के खर्चे देखेंगे कि कंपनी के खर्चे कैसे रहे। सो कंपनी के खर्चे आप देख सकते हैं, इस क्वार्टर में 3350 था, पिछले क्वार्टर में 3318 था और एक साल पहले आपको 3119 देखने को मिल रहा है। सो एक्सपेंसेस भी आपको उसी प्रोपोर्शनेट से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आपको ऑपरेशनल प्रॉफिट आएगा, जो कि आपको सेल्स माइनस एक्सपेंस करने के बाद आपको ऑपरेशनल प्रॉफिट दिखेगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं 513 इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 505 था और एक साल पहले आपको 403 देखने को मिल रहा है। सो आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको हल्का सा जंप देखने को मिल रहा है। ये फाइनल प्रॉफिट है ये नहीं है दोस्तों, इसके बाद आपको एक्सेप्शनल आइटम्स, टैक्स वगैरह सब देना पड़ता है। तो उसको चेक करते हैं कि वो कटने के बाद कितना प्रॉफिट दिखता है। सो एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि 91 करोड़ से, पिछले क्वार्टर में 14 करोड़ था और एक साल पहले आपको 78 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। सो ये 91 करोड़ का लॉस है। सो कटने के बाद प्रॉफिट घटता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि 421 करोड़ हो गया। एक साल पहले पिछले क्वार्टर में 490 करोड़ हो गया था और एक साल पहले 482 करोड़ देखने को मिल रहा है, जो कि ईयर ऑन ईयर आपको गिरावट देखने को मिल रही है, प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है ड्यू टू एक्सेप्शनल आइटम। उसके बाद गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, टैक्स वगैरह सब देने के बाद आप देख सकते हैं प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि 315 करोड़, पिछले क्वार्टर में 315 करोड़ था और एक साल पहले आपको 369 करोड़ देखने को मिल रहा है। सो आप ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में गिरावट है, प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रहा है, जो कि जो एक्सेप्शनल आइटम के एडजस्टमेंट होने के बाद। उसके बाद आपको शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर का शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऐड करना पड़ता है। सो वो कटने के बाद, तो इस क्वार्टर में तो लॉस था 14 करोड़ का, वो कटने के बाद प्रॉफिट फर्दर गिर गया, जो कि 301 करोड़ से फाइनल प्रॉफिट, पिछले क्वार्टर में 363 था और एक साल पहले आपको 364 देखने को मिल रहा है। सो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में जंप, सॉरी प्रॉफिट में गिरावट, प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ एक्सेप्शनल आइटम। तो ये एक्सेप्शनल आइटम क्या है इधर, सो अगर आप नीचे पॉइंट्स में जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि ये एक्सेप्शनल आइटम क्या है। सो मैं सीधा नीचे जाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। सो कंपनी ने यहाँ पर बताया है कि जो एक्सेप्शनल आइटम आप देख रहे हैं वो इसका जो एमलगमेशन और सब हो रहा था, मर्जर वगैरह, सो यहाँ है।
सो उसी का कॉस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक्सेप्शन आउट ऑफ करंट क्वार्टर प्रेजेंट कॉस्ट रिलेटिंग टू स्कीम ऑफ अमेलगमेशन एंड एक्विजिशन, सो उसका ब्रेकअप उन्होंने बताया है। सो पिछले ईयर भी वो लोगों का इसी कॉस्ट का आपका अराउंड 88 करोड़, 78 करोड़ का कुछ प्रॉफिट हुआ था अमेलगमेशन, और उसका इस क्वार्टर में भी आपको सेम देखने को मिल रहा है। सो उसके कॉस्ट की वजह से प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रहा है। सो ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी ने ऑपरेशनल प्रॉफिट्स देखे हैं तो वो बोलेंगे कि नंबर्स अच्छे हैं, क्योंकि विदाउट बिफोर एडजस्टमेंट्स नंबर कंपनी का जो प्योर सेल्स एंड एक्सपेंस था उसमें तो नंबर्स आपको अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। सो लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नंबर्स पर देखने को नहीं मिल रहा है। सो सेगमेंट वाइज देखेंगे तो इंडिया में आपको देख सकते हैं 2300 करोड़ इस क्वार्टर में, 2400, पिछले क्वार्टर में 2665 करोड़ आपको रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। सो रेवेन्यू में क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको, सॉरी ईयर ऑन ईयर जम्प देखने को मिल रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको हल्का सा गिरावट देखने को मिल रहा है। उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस देखेंगे तो 1000 करोड़ इस क्वार्टर में, 949 करोड़ पिछले क्वार्टर में, और 929 करोड़ आपको एक साल पहले देखने को मिल रहा है, जो कि ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद अगर आप न्यूज़ आर्टिकल में देखेंगे तो कंपनी ने बताया कि नेट प्रॉफिट का ऑलमोस्ट 17% का जंप है, जो कि सॉरी डिक्लाइन है, जो कि आपको 301 करोड़ देखने को मिल रहा है। सो सेम अभी आपने जो नंबर्स देखे वही आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर आप ऐसे देखेंगे तो स्टोर्स कितने खुले हैं उसके भी नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनका जॉइंट वेंचर भी चलता है स्टारबक्स के साथ, जो कि एक फॉरेन कंपनी है। सो इंडिया में उनका टाटा के साथ पार्टनरशिप है, तो वो लोग हर क्वार्टर में अपने स्टोर्स की डिक्लेयर करते हैं कि कितने स्टोर्स उन्होंने ऐड किए हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा स्टारबक्स का 50% जॉइंट वेंचर बिटवीन टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड एंड स्टारबक्स कॉरपोरेशन। सो उन्होंने 22 न्यू स्टोर्स ऐड किए हैं इस क्वार्टर में एंड एंटर्ड 6 न्यू सिटीज। सो दिस बॉट टोटल नंबर ऑफ 392 अक्रॉस 55 सिटीज़। सो उनको टोटल अभी 392 स्टोर्स होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि इंडिया में अराउंड 55 सिटीज़ में आपको देखने को मिल जाएंगे। सो उसी के साथ उन्होंने बताया है कि जो कुछ इसी क्वार्टर में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने एक्विजिशन किया था अराउंड 7000 करोड़ का, जो कि कैपिटल फूड्स एंड ऑर्गेनिक इंडिया को उन्होंने एक्वायर किया था करके, ये भी उन्होंने नोट्स में बताया है। सो नंबर्स कैसे थे, नंबर्स तो बहुत ही अच्छे खासे देखने को मिल रहे थे। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अगर देखें तो एक निफ्टी 50 का स्टॉक है, सो आपको डिसेंट रिटर्न बनाकर देता है। इसका मेन टारगेट है कि हर 5 साल में आपको पैसा डबल करके देना होता है। सो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी आपको देखने को मिल रही है। सो अगर आप टी एंड उसके सेगमेंट में देखेंगे ये आपको नंबर 1 कंपनी देखने को मिल रही है। उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस आता है। सो अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं 400, 445, 510, 273, -37, 455, 556, 457, 460, 930, 1015, 1320। सो अच्छा खासा आपको बड़ा प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। सो कंपनी ने अच्छा खासा फोकस अभी इसके ऊपर दिखाते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो टाटा की कंपनी है, सो शेयर होल्डिंग पैटर्न का कोई उतना आपको टेंशन की बात नहीं होती है। सो अराउंड 33% की प्रोमोटर है, 25% आपको FI से और 16% का आपको DIS देखने को मिल रहा है, और पब्लिक आपका अराउंड 24% देखने को मिल रहा है। सो वेल डाइवर्सिफाइड आपको यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। उसके बाद उसके शेयर प्राइस देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा खासा आपको चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। सो कंपनी मतलब स्लोली से अपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। अगर 5 साल का टारगेट देखें तो आप देख सकते हैं 5 साल में तो इन्होंने 530% का रिटर्न बना के दिया है, लेकिन अब तो ये कुछ बड़ी कंपनी हो चुकी है और प्लस निफ्टी में 50 में जा चुका है। सो अभी ये तेज़ी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आने वाले दिनों में भी ऐसे दे सकता है, देने में कोई प्रॉब्लम नहीं दे सकता है, लेकिन ऑन एवरेज बेसिस जो लार्ज कैप कंपनीज होते हैं हर साल में पैसा डबल करके देने का टारगेट वो लोग बना के रखते हैं। सो उसी उम्मीद से इस स्टॉक को भी अभी देखा जा रहा है। सो ये आशा करता हूँ आपको ये टाटा कंज्यूमर्स के नंबर्स पसंद आए हो। सो अभी देखते हैं नेक्स्ट कंपनी जो कि ट्रेंट लिमिटेड। सो
ये भी टाटा कंज्यूमर टाटा ग्रुप के अंदर ही आपको देखने को मिलता है। सो ये एक रिटेल बिजनेस है टाटा के अंदर। अगर आप देखेंगे तो इनके ब्रांड्स में तो आपको मिल जाएगा वेस्ट साइड, जूडियो, स्टार, उत्साह, बुक होलसेल, मिसबू, ऐसे कंपनी सबको देखने को मिल जाते हैं। तो इनका एक रिटेल बिजनेस में ये कंपनी आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर हम कंपनी के रिजल्ट्स में देखेंगे तो आप देख सकते हैं रिजल्ट को आपको ड्यूरिंग द मार्केट ही देखने को मिल रहे थे। अराउंड 1 o'clock को आपको प्रॉफिट्स अपलोड होते हुए देखने को मिल रहे थे, जो कि आज ही के दिन। सो देखते हैं कि नंबर्स कैसे थे। सबसे पहले देखते हैं कि नंबर्स जो भी हम देख रहे हैं वो आपको रुपीज़ इन क्रोर्स देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद नंबर्स के सीक्वेंस चेक करेंगे कि नंबर्स के सीक्वेंस कैसे हैं। सो सबसे पहले जो नंबर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको ईयर ऑन ईयर नंबर्स है और ये आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर के नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद नंबर्स कैसे हैं तो चेक करते हैं। सो इस क्वार्टर में कंपनी ने, आप जो पर देख सकते हैं, 3546 करोड़ का इनकम है। पिछले क्वार्टर में 3062 करोड़ था और एक साल पहले आपको 2365 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था। उसके बाद खर्चे आएंगे, तो खर्चे अगर आप देखेंगे जो कि इस क्वार्टर में 3100 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 2700 करोड़ था और एक साल पहले आपको 2189 देखने को मिल रहा है, जो कि खर्चे भी आपको उसी प्रोपोर्शनेट में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आपको ऑपरेशनल प्रॉफिट आएगा बिफोर एनी एडजस्टमेंट, जो कि 445 करोड़ इस क्वार्टर में, 288 पिछले क्वार्टर में था और एक साल पहले आपको 175 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं डबल प्रॉफिट, तो ऑपरेशनल प्रॉफिट तो डबल होता हुआ देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सो उसके बाद ऑपरेशन, उसके बाद आपके एडजस्टमेंट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। सो टैक्स वगैरह सब कुछ देने के बाद जो फाइनल प्रॉफिट बचता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर और पीरियड, जो कि 370 करोड़ इस क्वार्टर में, 228 करोड़ पिछले क्वार्टर में और 154 करोड़ आपको एक साल पहले देखने को मिल रहा है, जो कि ईयर ऑन ईयर तो स्ट्रेट डबल होता हुआ देखने को मिल रहा है प्रॉफिट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी ने दिखाते हुए देखने को मिल रहा है। सो अच्छा प्रॉफिट्स कंपनी ने अर्न करते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आप ईपीएस देखेंगे तो ईपीएस भी आपको उसी प्रोपोर्शनल में देख सकते हैं, 4.70 से 10 हो गया, 6.60 से भी 10.53 होता हुआ देखने को मिल रहा है। सो नंबर्स देखेंगे तो ट्रेंड लिमिटेड के जबरदस्त नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं। सो यहाँ अगर आप न्यूज़ आर्टिकल देखेंगे तो वो भी यही बता रहे हैं कि नेट प्रॉफिट डबल्स टू 370 करोड़, रेवेन्यू अप 50% ईयर ऑन ईयर, स्टॉक जंप्स 19%। मतलब जो नंबर्स आपको आज देखने को मिल रहे थे वो ड्यूरिंग द मार्केट देखने को मिले हैं और मार्केट ने तो ऑलरेडी इसको थम्स अप देता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके साथ अगर आप इनके भी स्टोर्स काउंट देखेंगे, क्योंकि ये भी रिटेल सेक्टर में काम करती है, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ड्यूरिंग द क्वार्टर कंपनी एडेड 5 वेस्ट साइड एंड 50 जूडियो स्टोर्स अक्रॉस 36 सिटीज इंक्लूडिंग 13 न्यू सिटीज। सो अच्छा खासा एक्सपेंशन आपको यहाँ पर भी होता हुआ देखने को मिल रहा है। सो एज ऑफ डिसम्बर अगर आप देखेंगे तो कंपनी कितने स्टोर्स ये लोग अभी दिखा रहे हैं। सो एज ऑफ डिसम्बर 31st December 2023, ट्रेंड पोर्टफोलियो इंक्लूडेड 227 वेस्ट साइड स्टोर्स, 460 जूडियो स्टोर्स और 28 स्टोर अक्रॉस अदर लाइफस्टाइल कॉन्सेप्ट्स। को अच्छा खासा एक्सपेंशन इनका बिजनेस में होता हुआ देखने को मिल रहा है। सो अगर इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो अराउंड 1,28,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है आपको। सो अच्छा खासा अभी लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है। सो अगर आप इसका सेगमेंट वाइज देखेंगे तो नंबर टू में आता है ये। नंबर वन तो आपको एवेन्यू सुपरमार्केट देखने को मिल रहा है, जो कि 2,40,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका, ऑलमोस्ट हाफ ये कंपनी 1,28,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है। पी भी डी मार्ट से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जो डी मार्ट 99 है और ये आपको 157 पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बाद कंपनी के प्रॉफिट्स अगर आप देखेंगे तो एक ज़माने में कंपनी लॉस में थी, देख सकते हैं 46 करोड़ लॉस, 27, 19, बाद में 129 का प्रॉफिट, बाद में 55 करोड़ का प्रॉफिट,
85 करोड़ का प्रॉफिट, बाद में 87, 95, 106 का प्रॉफिट, कोरोना के टाइम में तो 181 का लॉस आ गया, बाद में 35 करोड़ का प्रॉफिट, 394 करोड़ का प्रॉफिट, 394 से अभी सीधा 810 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी अर्न करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि उनके एंटायर बिजनेस साइकिल में हाईएस्ट बार प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हैं 37% प्रोमोटर के पास है, 25-26% FIs के पास है, 14% DS के पास है और 22% पब्लिक के पास आपको देखने को मिल रहा है। सो वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने को मिल रहा है। जैसे बताया था, आज देख सकते हैं एक ही दिन में आपको 19% की तेजी यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी के नंबर्स जबरदस्त देखने को मिल रहे थे। अगर आप मैक्स चार्ट बटन देखेंगे तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा ऑल टाइम हाई पे जाके स्टॉक बैठता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले 5 साल में कंपनी तो ऑलमोस्ट 10 गुना बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। सो अच्छा खासा कंपनी के स्टॉक में आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। ओके दोस्तों, फिर से मिलेंगे और एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, बाय।